नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। मधेपुरा वासियों को नए साल में बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। यहां भिरखी ढाला पर जल्द ही आरओबी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके लिए 73 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। उक्त आशय की जानकारी मधेपुरा लोकसभा के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए दी। दरअसल सांसद दिनेश चंद्र यादव आज अपने एक दिवसीय दौरे पर मधेपुरा पहुंचे और नव निर्वाचित मधेपुरा नगर परिषद की उप मुख्य पार्षद पुष्पलता देवी के आवास पर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान कई नव निर्वाचित वार्ड पार्षद भी सांसद से मिले, जिन्हें सांसद ने शुभकामनाएं दी। जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि शहर के लोगों को भिरखी का रेलवे फाटक बंद हो जाने के बाद जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। खासकर शहर के दक्षिणी इलाके के लोग समस्या से काफी त्रस्त हो गए थे, वहीं अब शहर के लोगों को इस समस्या से निजात मिलने जा रही है। वाइस चेयरमैन को, चेयरमैन को, जो नव निर्वाचित सदस्य जीते हैं, सभी लोग को नए साल के उपलक्ष्य में जीत की बधाई और नए साल की शुभकामना भी देते हैं। और इस इलाके के मोहल्ले के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर वासी के लिए, और जो दक्षिण के हिस्से में सहरसा का भी हिस्सा है, दूसरे जिला का, उन लोगों को भारी दिक्कत हो रही थी इस रेलवे ढाला पर। हम लोग को भी कभी कभी परेशानी होती थी, मालगाड़ी यदि रहता था तो बहुत देर तक रुकना पड़ता था, जाम की समस्या रहती थी। तो यहाँ पर आरओबी की स्वीकृति हुई, 73 करोड़ रुपया उस पर खर्च होगा, 35 करोड़ रुपया, 37 करोड़ रेलवे को देना है और उसके बाद जो राशि है राज्य सरकार को देना है। तो रेल मंत्रालय ने उसकी स्वीकृति दे दी। अब छोटा सा प्रक्रिया बाकी है, जो राज्य सरकार की राशि देनी है उसका प्रशासनिक स्वीकृति सो हो जाएगा, फाइल वोल बढ़ गया है और उसके बाद बीच में ही टेंडर इसका निकल जाएगा। हम तो चाहेंगे कि हर हालत में अगले साल में इसका काम शुरू हो जाए, और जब शुरू होगा तो बनने में भी 1.5-2 साल समय लग जाता है, तो जब बन जाएगा तो लोग को काफ़ी सहूलियत होगी।